फ्रेंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हमारे भाई होंडा के शोरूम, ठीक है। बेसिकली हमारे सामने खड़ी है भाई होंडा एक्टिवा 125। आती 110 भी है, 125 भी है, बट देन जो फिलहाल रिव्यू जो मैं कर रहा हूँ वो 125 सीसी का जो है वो मैं करने वाला हूँ, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं, अगर इसके फ्रंट से फटाफट से इसके रिव्यू से शुरुआत करते हैं। और भाई उससे पहले आप जो है नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब आपने जरूर करना है। वीडियो लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कर देना है। शुरुआत करते हैं अगर स्कूटी के रिव्यू से एक्टिवा 125 से। सो फ्रंट में यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है कंप्लीट LED हेडलैम्प का सेटअप, कंप्लीट हमें फ्रंट में देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो अगेन हमें सिंपल बल्ब ही मिलते हैं, LED इसके अंदर किसी भी तरह के आपको प्रोवाइडेड नहीं करवाए जाते, ठीक है। यहाँ पर हमें होंडा अगेन स्टिकरिंग देखने को मिलती है। अगेन जो ऊपर वाइजर की बात करें तो अगेन ये भी जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी में जो है रहता है। होंडा की बात करें तो भाई होंडा जो है ना बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट बनाता है, रिलायबल, जिसको आप कह सकते हैं। चाहे फिर इंजन में बात करो एंड चाहे फिर बॉडी बिल्ड की बात करोगे तो भाई वो भी ऑल गुड, ऑल थम्स अप जो है होंडा को जाने वाला है, ठीक है। अगेन यहाँ पर यूज़ करा गया क्रोम का, तो ब्लैक के साथ तो क्रोम का जो यूज़ करा गया भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया करा गया। अब आप सोच रहे होगे कि ये किस लिए कुछ दिया गया अलग से प्लास्टिक कवर। सो बेसिकली इसके ऊपर नंबर प्लेट जो है वो इसके ऊपर लगवाई जाती है। अब ये बात करोगे कि एसेसरीज कैसे लगे, तो भाई ये पार्ट ऑफ एसेसरी ही है। जो स्टील बॉडी आप देख रहे हो बाय द प्लांट इटसेल्फ ऐसा नहीं आता, पार्ट ऑफ एसेसरी में जो आप ये कहीं से भी लगा सकते हो, चाहे डीलरशिप से एंड चाहे बाहर से, जैसे भी आप चाहो वैसे लगवा सकते हो। थोड़ा सा और नीचे चलते थे, यहाँ पर हमें अगेन मड गार्ड जो है वो देखने को मिल जाता है। अगेन इसके साइड में रिफ्लेक्टर भी जो है देखने को हमें मिलने वाले हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर फ्रंट सस्पेंशन जो आप वो यहाँ पर जो है सिंपली जो आप देख सकते हैं। अलॉय व्हील जो है इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है फ्रंट में। इसके अंदर ड्रम ब्रेक्स मिल जाती है, इसके अंदर फ्रंट में जो है डिस्क ब्रेक का भी जो ऑप्शन आपको इसके अंदर जो है देखने को मिलने वाला है। फ्रंट में इसके अंदर मिलने वाले भाई MRF के टायर्स बाय द प्लांट इटसेल्फ जो मिलने वाले हैं। टायर प्रोफाइलिंग की बात करें तो भाई 90x90/12 की जो है टायर प्रोफाइल फ्रंट में देखने को मिलती है आपको इसके अंदर। रिफ्लेक्टर जो है आपको एक जगह नहीं भाई, दोनों ही जगह जो है रिफ्लेक्टर भी आपको देखने को मिलते हैं। अगेन ये जो गार्ड आप देख सकते हैं अगेन पार्ट ऑफ एसेसरी रहने वाला है, ठीक है। अब थोड़ा सा चलते हैं अगर स्कूटी की साइड प्रोफाइल में, कि साइड प्रोफाइल में कैसा क्या कुछ जो हमें देखने को मिलने वाला है। सो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा ध्यान जाने वाला भाई इसके रनिंग बोर्ड के ऊपर। अगेन ये भी जो है कंप्लीट बहुत ही ज़्यादा स्लीक जो दिया गया है एंड काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर कट्स दिए गए, बहुत ही ज़्यादा प्यारे जो हमें देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और अगर थोड़ा और साइड में चलते हैं, यहाँ पे कंप्लीट जो है क्रोम का यूज़ करा गया एंड उसके ऊपर एक्टिवा 125 GB जो है एम्बेडेड दिया गया है। अगेन ब्लैक के साथ क्रोम का जो है काफ़ी जो है अच्छा कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं जो निकल के आ रहा है इस वक्त हमारे सामने। अगेन ये जो है पार्ट ऑफ एसेसरी भी स्टील बॉडी का ही पार्ट है। यहाँ पे साइड में यहाँ पे देख सकते हैं फुटरेस्ट जो है वो दिया गया। अगेन ये भी काफ़ी स्लीक से एंड काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर अगर आप देखोगे ना बहुत ही बढ़िया टेक्सचर जो है वो दिया गया बेटर ग्रिपिंग के लिए, ठीक है। अगेन ये स्टैंड की बात कर लेते हैं तो अगेन ये जो है 125 के अंदर बाय द प्लांट इटसेल्फ आता है, बट देन अगर बात करते हैं 110 जो एक्टिव 110 जो आती है उसके अंदर भाई पार्ट ऑफ एसेसरी में ही जो है आपको लगवाना पड़ता है, ठीक है। अगेन दोनों ही तरफ जो है आपको देखने को मिलने वाला है क्रोम का कंप्लीट ये जो ये अलग से लगाया गया है एंड इसके ऊपर एक्टिव 125 जो एम्बेडेड भी जो है दिया गया है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं साइड में यहाँ पर एग्जॉस्ट बेसिकली साइलेंसर जिसको आप कह सकते हैं या एग्जॉस्ट जिसको कह सकते हैं, सो वो में ऐसे कुछ दिया गया एंड इसके ऊपर कंप्लीट जो है ये कंप्लीट कवर्ड आता है। एंड अभी ये स्कूटी जो है डिलीवर होनी है तो उससे पहले कंप्लीट जो बाय द प्लांट इटसेल्फ आती है भाई ऐसे ही कंप्लीट आई जाती है, ठीक है। कंप्लीट हर चीज़ जो है ढक दी जाती है। थोड़ा सा अगर रियर की तरफ चलते हैं तो क्या कुछ हमें रियर में देखने को मिलता है। अगेन एक क्रैब हैंडल की बात करोगे तो भाई अगेन ये भी जो है काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश कर दी जाता है। पेंट क्वालिटी भाई ऑल गुड दी जाती है होंडा की तरफ से, नो डाउट किसी भी तरह का। बहुत बड़ी इंजन रिलायबिलिटी भी जो है देती है, मतलब होंडा के इंजन जो रिलायबल होते हैं चाहे फिर 110 CC चाहे 125 CC, ठीक है। पावर कितनी कुछ निकालते हैं वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के एंड में। यहाँ पर अगर बात करते हैं टेल लैंप की, टेल लैंप कैसे क्या कुछ जो हमें इसके अंदर दिया गया है वो मैं आपको ज़रा ऑन करके ही जो है दिखा देता हूँ। तो ऐसे दिया है हमें कुछ रियर में टेल लैंप इसके अंदर। अगेन ये भी जो है LED जो है नहीं दिया गया, कि आप सोच रहे हो रियर में टेल लैंप जो LED दिया गया ऐसा नहीं हुआ। फ्रंट में LED जो हेडलाइट है सिर्फ वही LED हमें जो है इसके अंदर दी गई है। इंडिकेटर्स का तो एज यूजुअल नॉर्मल ही जो है दिए गए हैं। यहाँ पर आप सोच रहे हो कि अगेन ये जो है कैसा सा अलग सा पार्ट जो दिया गया, ये बेसिकली यहाँ से आप फ्यूल जो है ना रिफिल करा सकते हो। फ्यूल लिड दिया गया, अब फ्यूल लिड कैसे दिया गया वो भी जो है आपको ज़रा खोल के दिखाई देता हूँ। सिंपली आपने इसको ऐसे एक बार क्लोज करना एंड सीट, तो सिंपली आगे जैसे बटन आप प्रेस करोगे अनलॉक हो जाएगा एंड यहाँ से जो है फ्यूल जो है रिफिल करवा सकते हैं। बात कर लेते हैं अगर फ्यूल से तो भाई एवरेज कितनी क्या कुछ जो है निकाल के देती है, तो भाई ये 55 के नियर अराउंड जो है आपको 50-55 के नियर अराउंड जो एवरेज आराम से जो है लंबे सफ़र आपको निकाल के देने वाली है, जो आपको प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर रियर टेल लैम्प की अगर बात करें तो भाई यहाँ पर एक्टिव 125 अगेन इसके अंदर भी जो आपको दिखा दिखने वाला है। यहाँ पर अगेन नंबर प्लेट के लिए दिया गया, यहाँ पर अगेन रिफ्लेक्टर दिया गया, ये अगेन पार्ट ऑफ एसेसरी का जो है पार्ट रहने वाला है। रियर में भी जो इसके अंदर देखने को मिलने वाले एज यूजुअल जो ड्रम ब्रेक दी जाती है वही दी जाती है, ठीक है। टायर प्रोफाइलिंग की अगर बात कर लेंगे रियर में कितनी क्या कुछ जो है टायर प्रोफाइल का यूज़ करा गया बेसिकली, सो वो करा गया 90x110, ठीक है।
फ्रंट में 90/90/12 था, बट देन रियर में 90/110 की जो टायर प्रोफाइल जो रियर में यूज़ करी गई है। यहाँ पर हमें दिया है कंप्लीट स्कूटी का जो है एक्टिव 95 का बेसिकली क्लच सिस्टम जो है कंप्लीट इसके अंदर, क्लच सेटअप जो बेसिकली दिया जाता है इसके अंदर दिया जाता है। यहाँ पर किक जो है वो हमें दी जाती है, लेकिन यहाँ पर फुट रेस्ट भी जो है वो भी जो है दिया जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर सेंटर स्टैंड भी जो हम कुछ ऐसा देख सकते हैं। फटाफट से चलते हैं अब इसके बूट स्पेस की तरफ, कितना क्या जो है बूट स्पेस हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। सो हियर वी गो, ठीक है। काफ़ी बड़ी जो है बूट आप इसके अंदर देख सकते हैं, कंपेयर करो उसको बेसिकली एंटॉर्क से, तो भाई मैं पर्सनली एंटॉर्क यूज़ कर रहा हूँ एंड उसके अंदर जो है बूट स्पेस की कमी जो है मेरे को लगती है, खुद मतलब पर्सनली फील होता है मेरे को बूट स्पेस का लैग जो बेसिकली कहते हैं ना, मतलब उसके अंदर फुल फेस जो फुल साइज हेलमेट होता है भाई वही पूरा नहीं आता, ठीक है। इसके अंदर जो है कंप्लीट आपको स्पेस की जो कमी है वो तो आपको इसके अंदर जो है नहीं देखने को मिलने वाली, लेकिन यहाँ पर भी जो है स्पेस दिया गया है। यहाँ पर आपको फर्स्ट एड किट दिया गया है बाय द होंडा इटसेल्फ, स्पेस जो है अच्छा खासा जो है इसके अंदर दिया गया है। टूल किट भी जो है आपको पहले अलग से बैग में आती थी, बट देन अब जो है यहीं पर ही इसके अंदर लगा दी गई है, अगर आपका ध्यान जा रहा है यहाँ पर। सो ये भी जो है एक अच्छा ही जो है स्टेप करा गया होंडा की तरफ से, ठीक है। अगेन ये जो सीट कवर आप देख रहे हैं अगेन पार्ट ऑफ असेसरी है, पैदा प्लांट ये नहीं आता। हैंडल बार की तरफ चलते हैं, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जो जाने वाला भाई इसके ORVM की तरफ, अगेन दोनों ही तरफ देखने को मिल जाते हैं। हैंडल बार पे और क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें कंट्रोल्स में वो देखने को मिल जाते हैं जैसे कि हाई बीम के लिए, लो बीम के लिए, पास बेसिकली डीपर के लिए, या इंडिकेटर के लिए देखने को मिल जाता है, यहाँ हॉर्न के लिए हमें देखने को मिल जाता है, लेफ्ट साइड पे कंप्लीट ये सारे कंट्रोल्स हमें देखने को मिलते हैं। भाई अगर हम राइट साइड पे चलते हैं यहाँ पर हमें किल स्विच जो है वो देखने को मिलता है इसके अंदर भाई, साइलेंट बेसिकली PGM-FI फ्यूल इंजेक्शन जो बेसिकली इसके टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है। यहाँ पर अगेन जो आपको होंडा का जो है अगेन इसके अंदर भी लोग यहाँ पर आपको छोटा सा देखने को मिलने वाला है। अब अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ बेसिकली सिर्फ यहीं आगे MID ऑन करूँ, बीच में यहाँ पर आपका ध्यान जा रहा होगा MID दी गई है LED 125 GB जो है बीच में लिखा आया था, ठीक है। सो कंप्लीट जो है ना बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर गया भाई होंडा भी, अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, या कंप्लीट जो है इल्यूमिनेटेड जो है ये कंप्लीट जो निब दी गई है, कंप्लीट वो दी गई इल्यूमिनेटेड, या बीच में MID जो दी गई है, इसको आपने कंट्रोल करना था वो कहाँ से करना है, वो आपने करना भाई यहाँ से। एवरेज अगर आप अभी भी देख रहे हो 33.4 की दिख रही है, जबकि अभी अंदर यहाँ पर खड़ी है डीलरशिप में, ठीक है। यहाँ पर आप रेंज देख सकते हैं इसके अंदर टोटल कितने किलोमीटर चली हो देख सकते हैं, ट्रिप देख सकते हैं, एवरेज जो है दोबारा जो है आप रियल टाइम भी देख सकते हैं, एंड वैसे भी जो आप इसके अंदर देख सकते हैं फ्यूल इंडिकेशन भी इसके अंदर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसके अंदर देखने को मिला था डिजिटल क्लॉक जो आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि अभी टाइम यहाँ पर दिखा रहे 2:56। सो ये सब फीचर मिलते हैं स्कूटी के अंदर। स्कूटी आपको कैसी लगी किसी ने भी कमेंट में करके जरूर बताना। अब मैं आपको इसके अंदर जो है इंजन की साउंड और सुना देता हूँ कि 125 cc के अंदर कितना क्या शांत इंजन जो है वो आपको प्रोवाइड करती है होंडा इन एक्टिवा 125, ठीक है। उससे पहले भाई आपने क्या करना है, नीचे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और जो है वो दिखा देता हूँ कि कोई चीज़ भी ना मिस आउट ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पर भी जो आपको हुक मिल जाता है इसके अंदर भी सामान जो है हैंग कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको हुक मिल जाता है अगेन इसके अंदर भी सामान जो है आप हैंग कर सकते हैं, मतलब स्पेस के मामले में एक्टिव हमार नहीं खा सकती। अगेन यहाँ पर भी जो है आपको एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर आप कुछ रखना चाहो तो आपकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से जो है यहाँ पर इसको दिया गया है। अगेन यहाँ पर भी जो है मतलब जैसे आप पर्सनली एंटॉर्क यूज़ करो तो उसके अंदर भाई यहाँ पे ना आगे स्पेस नहीं है, और स्पेस थोड़ा बहुत है, मतलब बहुत कुछ आप यहाँ पे सामान रख नहीं रख सकते, बट देन एक्टिवा को आप मतलब यहाँ पर आप अच्छा खासा जो है स्पेस आपको प्रोवाइड करवाया जाता है अगर आप कुछ लगेज भी जो है कैरी करना चाहो तो, ठीक है। सो अब फटाफट से जो है स्कूटी स्टार्ट करते हैं। सो भैया स्टार्ट करेंगे स्कूटी, कर दो। अब ये देखो जैसे यहाँ पे सेल्फ का ये रखे, ठीक है, स्विच हमने इसको सिंपली ब्रेक दबा के इसको नीचे प्रेस करेंगे स्कूटी स्टार्ट हो जाएगी। सो जब मैं आपको कहूँगा तब स्टार्ट करना, ठीक है, कर दो भैया स्टार्ट कर दो। अभी देखना सेल्फ की आवाज़ आएगी नहीं, सीधी स्टार्ट होगी स्कूटी, कर दो। ये देखो भाई एक बार और करके दिखाना, एक बार और कर दो बंद करके ना, एक बार और कर दो सीधी भाई, सेल्फ की आवाज़ ही नहीं है। तो अब आप ये देख सकते हो मतलब धीरे 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 जो है मतलब काफ़ी जो है तरक्की कर रहा है होंडा, एंड टू व्हीलर्स में भी जो है काफ़ी सारे फीचर्स। फोर व्हीलर्स के तो कंप्लीट मैं आपको रिव्यू देते ही रहता हूँ, बट देन अगर अभी टू व्हीलर्स की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम टू व्हीलर्स में भी धीरे धीरे जो है आ रहे हैं बीच में, कंप्लीट आपको रिव्यू देना हर चीज़ का। सो भाई टू व्हीलर्स में भी जो है काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रही है कंपनी, चाहे फिर कोई भी हो, बट देन होंडा ने ये जो है बहुत ही बढ़िया जो है फीचर दे दिया गया है। TVS जो है वो एंटॉर्क में भी अभी ये करने लगी है, क्या पता भाई कैसे क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, तो बट देन उसमें भी जो है वैसा आने लग गया, उसके अंदर सेल्फ की बात नहीं आती बिल्कुल भी। सो ये आपको कैसी लगी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। बात करें अगर इंजन पावर की, तो वो जो है कंप्लीट आपकी स्क्रीन पे लिखा रही है कि ये 125 cc का जो इंजन है 125 cc का इंजन कितनी क्या कुछ पावर जो आपको निकाल के देता है ऑन रोड। सो वीडियो आपको कैसी लगी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, एंड वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक यू सो मच।